केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार में तीसरे दिन भी उग्र प्रदर्शन हो रहा है। राजधानी पटना समेत 25 जिलों में जमकर बवाल मचा हुआ है। पटना के दानापुर स्टेशन पर ट्रेन और पार्सल रूम में आग लगा दी गई है। स्टेशन के बाहर खड़ी गाड़ियों को फूंक दिया गया है। पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। इतना ही नहीं, नेताओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। बेतिया में प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी सीएम रेणु देवी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर हमला किया है। यहां पर भाजपा विधायक विनय बिहारी की गाड़ी पर भी पथराव किया गया है और कई जगह बवाल मचा हुआ है। सुबह से अब तक 8 ट्रेनों को निशाना बनाया गया है। समस्तीपुर में 2, लखीसराय में 2, दानापुर में, फतुहा में, आरा में, सुपौल में यात्री ट्रेन में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। आपको बता दें कि इस मामले पर अब लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, मीडिया भी उनसे प्रश्न करता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ठोस जवाब कहीं से नहीं मिल रहा है। आज बिहार सरकार के मंत्री बिजेंद्र यादव से यह सवाल पूछा गया कि अग्निपथ का देश भर में विरोध हो रहा है और बिहार में सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो बिजेंद्र यादव ने दो टूक कहा, यह मामला भारत सरकार से जुड़ा हुआ है, भारत सरकार इसमें दखल दे और छात्रों से बात करे या फिर संवाद स्थापित करे, यह राज्य सरकार का मामला नहीं है, इसलिए इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मतलब यह स्पष्ट है कि नीतीश सरकार ने अग्निपथ नियम पर कोई भी टिप्पणी देने से इनकार कर दिया है। अगर उन्होंने कहा है कि कोई असंतोष की भावना है तो भारत सरकार इसमें दखल दे, योजना उनकी है वो जाने। आइए सुनते हैं बिजेंद्र यादव ने और क्या कुछ कहा है। भारत सरकार के को इस पर लोगों से राय लेनी चाहिए, लोगों के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। अपील करेंगे छात्रों से शांति बनाए, हम लोग इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि भारत सरकार का मामला, हम लोग भी भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब विरोध हो रहा है तो उनके यूनियन वगैरह के साथ जो ग्रुप है उनके साथ बैठ करके लोग बात करें। तो सुना आपने, नीतीश सरकार ने स्पष्ट तौर पर कन्नी काट ली है, उन्हें उग्र प्रदर्शन से कोई मतलब नहीं है, प्रदर्शन चलता रहेगा, लेकिन यहां पर सरकार के तरफ से कोई ठोस जवाब आता दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपको बता दें कि बक्सर, नालंदा समेत कई जिलों में रेलवे ट्रैक पर आगजनी की गई है। आरा के बिहिया रेलवे स्टेशन पर उपद्रवियों ने स्टेशन पर लूटपाट की है। टिकट काउंटर से लगभग 3 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। सासाराम में टोल प्लाजा में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की है। टोल प्लाजा में आगजनी भी की गई है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी है, कई राउंड फायरिंग की खबर है। आरा में सड़क पर आगजनी के बाद जाम लगाया गया है। पूरी स्थिति गड़बड़ बताई जा रही है, लेकिन प्रशासन अभी तक इसको कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर एक दूसरे पर ठेकरा फोड़ा जा रहा है, कोई प्रशासन पर आरोप लगा रहा है तो कोई केंद्र सरकार की योजना बताकर इससे कन्नी काटता नजर आ रहा है।